नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ नेशन। तो देखिए, बड़ी खबर अब प्रतापगढ़ से आ रही है, राजा भैया के घर से आ रही है। यहाँ पे कल शाम को एक बड़ा ही अजीब सी घटना कैद हुई थी। यहाँ पे जब पता लगा लोगों को तो लोग भी देखिए सन रह गए। क्या है मामला पूरा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, प्रतापगढ़ में एक लड़का और एक लड़की शादी करने आए थे मंदिर में, प्रतापगढ़ के मंदिर में। लेकिन जब लोगों को ये पता लगा कि वो युवक जो युवक है और लड़की है, दोनों जब साथ फेरे ले रहे थे मंदिर में, तभी लोगों ने आके बीच में शादी रुकवा दी। क्यों रुकवाई? क्योंकि लड़का था मुसलमान और लड़की थी हिंदू, वो भी नापाक। ये खबर देखिए पूरी आ रही है। और इस बीच देखिए राजा भैया की एंट्री कहाँ होती है, क्योंकि राजा भैया के जो पिता है वो कट्टर हिंदू है। और साथ ही साथ देखिए कि यहाँ पे किसी भी हिंदू पर कोई अत्याचार होता है, किसी भी हिंदू लड़की पर अत्याचार होता है, सबसे आगे देखिए राजा भैया उनके पिता खड़े होते हैं। तो ऐसे ही लड़की वालों के परिवार ने आरोप ये लगाया लड़के पर कि लड़के ने जानबूझकर भैला फुसला कर उसको सपने, बड़े बड़े सपने दिखाकर लड़की को जानबूझ के भागा के लाया पहले तो, और उसके बाद देखिए कि उसको निकाह करने पर, यानी कि पहले शादी फिर निकाह करवाने के पर मजबूर कर दिया। ये खबर सामने आ रही है प्रतापगढ़ से। उसके बाद क्या होता है, राजा भैया को खबर मिलती है, राजा भैया तुरंत देखिए वहां पे पहुंचते हैं और जनसभा करते हैं और साफ साफ ये बोल देते हैं कि पहले लड़की बालिग हो जाए, उसके बाद देखिए कि उसकी जो मर्जी होगी वही चलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर लड़की की मर्जी हो तो भी देखिए राजा भैया उसको मना कर दे, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन लड़की पहले बालिग होनी चाहिए, उसके बाद देखिए उसकी मर्जी है तो कहीं भी शादी कर सकते हैं, कोई उस पर दबाव नहीं बना सकता। लेकिन हाँ, अगर लव जिहाद का मैटर होता है कि जाने की लड़का अपना नाम छुपाकर ऐसा करता है, दो अलग मैटर होता है। लेकिन हाँ, अगर लड़की की मर्जी है तो बिल्कुल कर सकती है, लेकिन बालिग होने पर। यही पूरा मामला था। लेकिन हाँ, उसके बाद देखिए क्या हुआ कि लड़के के परिजनों ने आकर साफ कुछ मामला जो है वो साफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम लड़की को अपने यहाँ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो हिंदू समुदाय से आती है और इस्लाम में देखिए बिल्कुल भी ये इजाजत नहीं देता इसकी कि आप किसी गैर समुदाय की लड़की से शादी करें जब तक वो इस्लाम में परिवर्तित नहीं होती है। तो इसलिए देखिए पूरा मामला मैटर जो था वो साफ हो गया था। लेकिन राजा भैया ने देखिए कि दोनों जो कपल थे, एक लड़का एक लड़की, तो उन दोनों को बिल्कुल चेता दिया कि पहले आप बालिग हो जाइए, उसके बाद देखिए आपको कुछ होगा। और इस तरह देखिए कि दोनों जो परिवार थे उनमें बड़ा घमासान होने से बच गया। अब देखना होगा कि लड़का और लड़की कब शादी करते हैं, क्या दोनों परिवार आपसी सहमति से बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, ये बड़ा देखना होगा। हाँ, इसमें बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस या वीएचपी की एंट्री भी हो सकती है, क्योंकि प्रतापगढ़ के जो वीएचपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो वो भी देखिए इसमें उनका भी बयान आया था कि हम भी इसमें संज्ञान लेंगे और देखेंगे कि लड़का कैसा है, और लड़के को बीच में अगर लव जिहाद का मैटर कोई आता है तो वो उसका भी पड़ताल हम करेंगे। ये भी आ रही थी खबर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ नेशन।